हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिहारी स्टाइल दाल पूड़ी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसके साथ खीर और आम भी हम सर्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने गैस पे 2 लीटर दूध उबाल लिया है। ये फुल क्रीम दूध है, दूध को हमने पूरा उबाल लिया है। अब हम यहाँ पे लिए हैं 150 ग्राम चावल। चावल को हम धो के 15 मिनट पहले सोख कर लिए हैं। अब हम इस चावल को दूध में छोड़ देंगे। सोख करने का मतलब होता है कि अपना चावल अच्छे से पक जाता है। तो हम 1 चम्मच की मदद से दूध में चावल छोड़ देंगे और चावल को गलने तक करीबन हम 15 से 20 मिनट तक दूध में ही पकाएंगे, चम्मच से हिलाते हुए। कंटिन्यू नहीं हिलाना है, बीच बीच में हम इसे हिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने 20 से 25 मिनट तक चावल को दूध में उबाल लिया है। अपनी चावल अच्छी खासी पक चुकी है। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 लीटर दूध में हमने 150 ग्राम ही चावल पकाया है, पूरा दूध गाढ़ा हो गया है और चावल भी अच्छे से पक चुकी है। तो यही सही खीर की तरीका है बनाने का। अब इस स्टेज पे हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 बाउल शक्कर डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट हम इसे उबाल लेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। शक्कर डालने के बाद हमने 1.5 से 2 मिनट तक पकाया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इलायची, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध की खीर में जब इलायची पाउडर पड़ती है तो इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर आती है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कवर लगा के छोड़ देंगे। चलिए हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। पूड़ी बनाने के लिए हमने 1/2 किलो चना का दाल आधा घंटा पहले भिगो दिया है। भिगोया हुआ दाल उबालने में बहुत आसानी होती है। तो अब हम एक यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम दाल को डाल देंगे। तो आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से डालिए। अब हम दाल में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि जब हम इसकी आटा में स्टफिंग करते हैं तो थोड़ा सा नमक हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। यहाँ पे हम कलर के लिए हल्दी यूज करेंगे। तो हल्दी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी स्टफिंग अपना कलरफुल दिखता है। अब हम इसको डूबने के लायक पानी डालेंगे। ध्यान रहे, पानी की बहुत ही ध्यान रखना है। ज्यादा हुआ तो अपना दाल गीला गीला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लीड लगा के और दाल को 3 से 4 विसिल स्टीम कर लेंगे, यानी कि बॉयल कर लेंगे। तो हमने गैस पे अपना कुकर रख लिया है, ये 4-5 विसिल में अच्छे से पक जाएगा। दाल उबल रहा है, तब तक हम पूड़ी के लिए आटा लगा ले रहे हैं। तो हम सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा लगा लेंगे। आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसे कवर करके थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक अपनी दाल की तरफ चलते हैं। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, चलिए अपनी दाल सेट कर ले रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जितना हम पानी डाले हैं वो दाल पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अब इस स्टेज पे हम दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को हम गर्म है इसके लिए एक ग्लास की पेंदी की मदद से ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए मैश लेंगे स्टफिंग के लिए। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, पर गर्म है तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। और गर्म गर्म मैशना भी ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाता है। तो मैं मैश के आपको दिखाती हूँ। तो हमने ग्लास से सारी दाल को मैश लिया है। पुराने जमाने में जब इसे हांडी में उबाला जाता था तो सिलबट्टे पे पीसा जाता था, लेकिन अभी तो प्रेशर कुकर में ये गल जाता है। आप देख सकते हैं बढ़िया से अपनी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तावा गर्म कर लिया है और उस पर 2 चम्मच जीरा रख लिया है। जीरा को हम रोस्ट कर देंगे और उस दाल में मैश लेंगे। यही रोस्टेड जीरा का क्रंच दाल में जब आता है तो बहुत ही अच्छी अपनी दाल पूड़ी लगती है। तो इसे हम रोस्ट करके दाल में मैश लेते हैं। अब देख सकते हैं अपनी जीरा से सौंधी खुशबू आने लगी है। इसी टाइम पे हम जीरा को अपने दाल में निकाल लेंगे।
हाथों की मदद से हम इस जीरा को अपने दाल में अच्छे से मैश लेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार दाल पूड़ी तैयार होती है। स्टफिंग तैयार है, आटा अपना फूल चुका है। अब हम इस चौकी पे पूड़ी बना के आपको दिखा दे रहे हैं। आटा में से हम छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे और ऐसे बना लेंगे। अब हम बर्तन में से डस्ट करते हुए और इसकी कटोरी बना लेंगे। अब हम इसमें से स्टफिंग में से थोड़ा सा पोषण लेंगे, थोड़ा सा, और इसमें ऐसे प्रेस करते हुए और आटा को हम इकट्ठा करके ऐसे इसकी चोंगा बना लेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं, पनीर पराठा बनाते हैं, वैसे भी दाल पूड़ी पराठा बनाते हैं। इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। फिर हम इसे प्रेस करके आटा से डस्ट कर लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। हमें हल्के हाथों से इसे फैलाना है, बिल्कुल जैसे रोटी बनती है उतना पतला हमें कर लेना है। ये आसानी से हो जाता है क्योंकि अपनी स्टफिंग एकदम मुलायम है, इसमें कोई दाल का टुकड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पतली सी पूरी तैयार हो गई। हमने कितनी बड़ी लोई ली थी और उससे ये पूरी तैयार कर ली। अब सेम प्रोसेस से हम सभी पूड़ियां बना लेंगे और तावा की तरफ चलते हैं। हमने दो चार पूड़ियां तैयार कर ली हैं और इधर गैस पे अपना तावा भी गर्म हो चुका है। इस तावे पे हम एक एक पूड़ी ऐसे डाल देंगे और एक चमची की मदद से हम इसे उलटते पलटते पका लेंगे। एक साइड से अपनी पूड़ी सीख चुकी है, एक साइड से सीखने में अपना 1 से 1.5 मिनट लगता है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का उस पे दाग आ चुका है। बस ऐसे ही एक साइड से अपनी पूरी सेकनी है और उसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। दाल पूड़ी में अगर देसी घी लगा दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और वो भी थोड़ा पर्याप्त मात्रा हो तो क्या कहना। तो ऐसे हम लगा दिए हैं। अब हम फिर इसको पलट के और दूसरी साइड से लगाएंगे। ध्यान रहे जब हम घी या तेल डाल देते हैं तो अपनी तावा काफी गर्म हो जाती है, तो हाथ चलने से बचा के आप ही सब काम कीजिए। जैसे गुब्बारे की तरह अपनी पूरी फूल रही है। अब हम इसे उलट पलट के कड़ाड़ेदार कर लेंगे। फिर से आप देख लीजिए एकदम गोल गोल पूरी तैयार हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। से हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हमने दूसरी पूड़ियां जो बेल के रखी हैं यानी कि दाल का पराठा उसे डालेंगे। हमने सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा भी बना लिया है। अब देखिए कितना बढ़िया फूला है, तो हम इसे भी डिश आउट कर लेंगे। चलिए बाकी के भी पराठे हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी पूड़ी बन चुकी है। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो पूड़ी के साथ हमने यहाँ पे बनाया है बैगन की सब्जी। इस सब्जी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगी। बच्चों के लिए हमने आलू की सब्जी बना रखी है। खीर जो हमने बनाया वो आपको दिखा ही दिया। साथ में हम रख रहे हैं पूड़ी और आम का सीजन है तो आम तो बनता ही है, तो यहाँ पे हमने एक आम का पीसेस रख दिया है। आम तो वैसे और भी है लेकिन डिश में हमने एक ही रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया बिहारी स्टाइल दाल पूड़ी खीर की रेसिपी बनाना कितना आसान है, खाने में तो बहुत ही लजीज लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट में लिखिए कि और कौन सी रेसिपी मैं बनाऊं। धन्यवाद।